दिस इज़ नॉट माई टॉपिक, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक्चुअली आई वॉज मेकिंग अ दिस वीडियो. एक्चुअली यस्टरडे आई वॉज ऑर्डर वन ब्लूटूथ हेडसेट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, नॉट यस्टरडे, ऑन 8th ऑफ दिसंबर, राइट. 8 दिसंबर को मैंने ऑर्डर किया था, एंड ये मेरे एड्रेस पे डिलीवर किया गया था. ठीक है, सब लोग देख लो, कैफ खान, यानी कि मेरे नाम से ही. सो हेडसेट मैंने ऑर्डर किया था. सो बेसिकली हुआ ये, जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था मैंने कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है. आई डोंट नो कि क्या इशू रहा. सो व्हेन आई वाज ही ऑर्डर दिस प्रोडक्ट, द सेम डे डिलीवरी थी इस ऑर्डर की. सो सेम डे डिलीवरी थी, तो ये 4 दिन डिले आया. एंड देन आफ्टर 4 दिन बाद ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, देन आई फाउंड दैट इसमें जो ब्लूटूथ था वो मिसिंग था. ठीक है, और एसेसरीज़ में जब मैंने इसको ओपन करके देखा, तो एसेसरीज़ वाला पार्टी बॉक्स भी मुझे ओपन दिख रहा था, कि जैसे किसको किसी ने ओपन करके इसका अंदर का सारा सामान निकाल लिया हो. ठीक है, सो ये मैं कहूँगा कि इसमें फ्लिपकार्ट की मिस्टेक नहीं है एक्चुअली, और ना ये सेलर की मिस्टेक है. आई थिंक ये जो ऑर्डर था ये शेडो फैक्स के थ्रू डिलीवर हुआ था, राइट. सो सेलर्स ने माइट भी ये चीज़ रखी होगी, लेकिन बीच में शेडो फैक्स वाले एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं, या कुरियर पार्टनर ऐसा कर रहे हैं कि बीच में सामान निकाल लेते हैं ना, इसे कस्टमर को इशू फेस करना पड़ता है. सो इसमें फ्लिपकार्ट की मिस्टेक नहीं है एक्चुअली, मिस्टेक है लॉजिस्टिक पार्टनर की. सो इसी वजह से ये ऑर्डर जो था वो मिसिंग मिला मुझे, एंड आई फेस अ लॉस ऑफ 1200 रुपीज़. एनी वे मैंने रिटर्न रेस करी है, सो आई एम वेटिंग फॉर माई रेजोल्यूशन, जो कि 14 दिसंबर की डेट दी गई है. सो अगर जैसा भी रेजोल्यूशन होता है मैं भी इसके रिगार्डिंग अपडेट करूंगा. बट दिस इज समथिंग अनएक्सेप्टेबल यार, कोई ऑर्डर किया है किसी ने यार, कोई एक्सपेक्टेशन के साथ. सो ये चीज़ हुई है. सो बेसिकली मेरा टॉपिक नहीं है, बट आई थिंक दिस थिंग कैन बी इम्प्रूव. अगर कोई फ्लिपकार्ट से देख रहा है क्लाइंट या कोई भी ऐसा, तो इसका इम्प्रूव किया जा सकता है, सर्विसेज को, कुरियर पार्टनर को चेंज करके ये चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है, माइट बी. सो बाकी देखते हैं क्या होता है.